चलिए वोल्टेड कनेक्शन का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे अभी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। ये रिसेंट पेपर विंटर 2023 में आ चुका है। चलो क्या लिखा है, टू प्लेट्स 10 एंड 18 mm थिक आर टू बी जॉइंटेड बाय डबल कवर बट जॉइंट। अब दो प्लेट है जिसको डबल कवर बट जॉइंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लो बट जॉइंट क्या होता है। यहां पर बट जॉइंट होता है ऐसा, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इन दोनों को ऐसा बट की तरह कनेक्ट करना है। यहां पर अभी ओवरलैप नहीं है, यहां पर ऐसा कनेक्शन है बट जॉइंट। जैसे आपने देखा ना जो रेल होती है, रेल ट्रेन की, जिस जो रेल की पटरी होती है उसको रेल बोलते हैं। तो रेल हमेशा अलोंग द लेंथ ऐसे कनेक्टेड होती है, इनके बीच में वेल्डिंग किया होता है, ठीक है। तो वो जो जॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं बट जॉइंट, ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पे प्लेट्स का थिकनेस कितना अलग अलग है, एक का 10 है, एक का 18 है। तो मैं यहाँ पे पहले 18 वाला ड्रॉ करूँ और यहाँ पर 10 को ड्रॉ करूँ। यहाँ पे 8 mm की गैप है, ठीक है। अज्यूम द कवर प्लेट ऑफ 8 mm थिक। यहाँ पर कवर प्लेट लगी हुई है ऊपर में, ऊपर में कवर प्लेट लगी हुई है, कितना थिकनेस की, 8 mm की, ठीक है। डिजाइन द जॉइंट टू ट्रांसमिट द फैक्टर लोड ऑफ 500 kN। फैक्टर लोड कितना है बेटा, बोलो, 500 kN। अज्यूम Fe410 एंड ग्रेड 4.6 बोल्ट। तो Fe410 है, इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 410 N/mm² और ग्रेड 4.6 का बोल्ट है, जिसका मतलब FUB क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। बोल्ट का डायमीटर दिया गया इसमें, बताओ। नो सर, नहीं दिया। अब तुमको इसमें एक चीज क्या अलग दिख रही बताओ, एक चीज तुमको फिगर में अलग दिख रही होगी, क्या दिख रही बताओ, स्ट्रेंज एकदम, गैप है बीच में। बीच में गैप है। एक 18 का प्लेट है, एक 10 का प्लेट है और बीच में गैप है। तो ये गैप को फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे गैप प्लेट लाएंगे, इसको बोलते हैं गैप प्लेट। यहाँ पे हम लोग एक प्लेट लाएंगे जिसका एक नाम है, या कोड भी दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, इसको बोलते हैं पैकिंग प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, पैकिंग प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पैकिंग प्लेट पॉइंट करेंगे, जिसकी थिकनेस कितनी रखनी पड़ेगी बताओ, थिकनेस कितनी रखनी पड़ेगी, ये 18 है, ये 10 है, तो ये कितना गया, 8 है ना। ऊपर नीचे में कवर प्लेट है, ये कवर प्लेट है, और जो 10 और 18 की प्लेट है इसको बोलते हैं मेन प्लेट, MP मेन प्लेट, ठीक है। चलो डायग्राम कॉपी कर लो फटाफट। ये सेम टू सेम क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जो बुक है एन सुब्रमण्यम, वहां से लिया हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ा अभी। डन, सर फिर एन सुब्रमण्यम से कराओ ना। वही से कर रहा हूँ ना मैं, जैसे बुक पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन लिख गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आया लास्ट एग्जाम। चलो बोलो, सर एक मिनट, एक मिनट।
हाँ सर, बोलो, कनेक्शन है डबल कवर बट जॉइंट, अगर मैं यहाँ पे बोल्ट इंसर्ट करता हूँ ऐसा, तो आवाज इसमें नहीं आ रही क्लियर। एक मिनट, बोलो अगर मैं यहाँ पे बोल्ट इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा सी रहेगा, सिंगल सी रहेगा कि डबल सी रहेगा? से डबल रहेगा यहाँ पे आएगा डबल शेयर, हमेशा याद रखना डबल कवर बट जॉइंट बोला, यहाँ पे आएगा डबल शेयर, क्योंकि बोल्ट को कटने के लिए ये प्लेन और ये प्लेन दोनों प्लेन मिल रहा है कटने के लिए। ठीक है चलो, पहला स्टेप क्या निकालेंगे, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है चलो, डायमीटर ऑफ बोल्ट अज्यूम करो 20 का, वी अज्यूम डायमीटर ऑफ बोल्ट क्योंकि दिया नहीं है। डी नॉट कितना आएगा, 22 आएगा। निकालो वीडीएस भी निकालो फटाफट। आयुष फॉर्मूला क्या था, एफ यू बी बाय रूट 3 गामा एम बी एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। निकालो एफ यू बी कितना, 400 है, 1.25 एन एन है, एन एन कितना डोलेंगे ना, इसमें आता है हमेशा डबल शेयर, तो डबल शेयर में एन एन कितना होता है, 2.78 पाई बाय 4। डी फॉर डायमीटर कितना, डायमीटर 20 लिया मैंने, एन एस कट गया। यहाँ से आप वी डी एस भी निकालो, नाइनटी पॉइंट फाइव फोर ये आता है 90.54 किलो न्यूटन। ये आप कॉपी कर लो, डायग्राम दिखाना एक बार। मिनट माइक बंद करो भाई। डन। अब सुनो, अब थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो रहा है, तुमने यहां पर पैकिंग प्लेट यूज किया कि नहीं किया बताओ, पैकिंग प्लेट यूज किया तुम लोग ने? ये केस आता है सिर्फ और सिर्फ इसमें बट जॉइंट में, तो जब जब आप लोग पैकिंग प्लेट यूज करते हो तो पैकिंग प्लेट का एक प्रोविजन दिया है कोड में, 10.3.3.3, पैकिंग प्लेट्स द डिजाइन शियर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट कैरिंग अ शियर थ्रू अ पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ 6 mm। अगर तुम पैकिंग प्लेट 6 mm से ऊपर का यूज करोगे देन क्या लिखा था, डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैरिंग शेयर थ्रू पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ 6 mm शैल बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर बीटा। इसको एक फैक्टर बीटा से रिड्यूस करना पड़ेगा, वो बीटा का फॉर्मूला क्या है, बीटा पी के इक्वल टू 1 - 0.0125 टी पी के। चलो बीटा पैकिंग क्या है फॉर्मूला, 1 - 0.0125 टीपीके, 1 - 0.0125 इंटू थिकनेस ऑफ पैकेज 0.0125। पैकिंग थिकनेस, पैकिंग प्लेट के थिकनेस कितना है, 8 है ना, तो इंटू 8 कर दो। यहां से बीटा पैकेज निकालो कितना रहा, 0.9। 11.09।
ये 0.9 के फैक्टर से तुमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा शियर कैपेसिटी को। देखो लिखा क्लियर कट, द शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैरिंग शियर थ्रू पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ 6 mm शैल बी डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर बीटा पी के जी। ठीक है, तो इसमें जो आपका बीडीएस भी आएगा ना नया वाला, पुराना वाला क्या था 90.54 था ना, तो 90.54 को तुमको 0.9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारी 10% स्ट्रेंथ कम करनी पड़ेगी। कौन से केस में? जब तुमने पैकिंग प्लेट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलो बताओ कितना वीडियोस भी 81.48, ठीक है लिखो। स्टेप नंबर टू, निकालो बेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, वीडीपीवी का फॉर्मूला क्या था? 2.5 केबी डीटी एफयू बाय गामा एमबी। ठीक है, अभी केबी निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले ई मिनिमम निकाल लो 1.5 डीओ, अपना डीओ कितना है 22 है ना, कितना है 33। तो 40 नहीं, हेल्प राउंड मत को बता रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। 2.5 डी, डी कितना है 20, तो पी मिनिमम कितना रहा 50। ठीक है, इसका आप 40 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करो 40 कर दो। चलो के भी निकालते हैं आप लोग, के भी क्या था? इट इज लेसर ऑफ, के भी इज लेसर ऑफ, बोलो ई बाय 3 डी नॉट, दूसरा पी बाय 3 डी नॉट माइनस 0.25, तीसरा एफ यू बी बाय एफ यू, चौथा है 1। ई कितना है 40, डी नॉट 22, पी कितना है 50, डी नॉट कितना है 22। जल्दी बताओ, 0.6, 0.5, 0.6, 0.5, तो के भी आएगा सबसे छोटा, छोटा कौन सा 0.5 छोटा, नोट करो। इसमें लिख लेता, देखो वीडीपी निकाल रहा हूँ। 2.5 के भी कितना है 0.5, डायमीटर 20 है। अब थिकनेस की बात रही, देखो थिकनेस के लिए देखो ध्यान देना इधर, आपका एक बोल्ट कितनी प्लेट से पास हो रहा, ये 8 mm ऊपर है, ये 18 है और ये 8 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, अपना पैकिंग प्लेट को गिनना नहीं पड़ता, डोंट काउंट पैकिंग प्लेट। तो 8 8, ये बीच का 10। ठीक है, तो आपका जो बोल्ट है वो दो कवर प्लेट से पास हो रहा है, तो कवर प्लेट का थिकनेस कितना है 8 प्लस 8 16, सोच और एक जो मेन प्लेट है 10 की है ना, पैकिंग प्लेट की थिकनेस नहीं पकड़नी पड़ती। ठीक है, वो अजूम मत करो, तो ये 10 लेंगे, मेन प्लेट की छोटी वाली वो 10 है। अब दोनों में से मिनिमम कौन था, 10 मिनिमम ना, यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, 410 बाय 1.2 82 कितना रहा, 82 82 किलो न्यूटन।
और सीएस स्ट्रेंथ कितना अपना 81.48 है, ठीक है। तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू चूज करने पड़ेंगे। थर्ड इज द बोल्ट वैल्यू, थर्ड इज बोल्ट वैल्यू, तो बोल्ट वैल्यू क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ वीडीएसबी और वीडी पीबी, दोनों में से मिनिमम क्या है, एटी वन पॉइंट फोर एट मिनिमम। बोलो आयुष, नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, फैक्टर लोड बाय बोल्ट सिक्स वैल्यू, फैक्टर लोड है 500 का। पॉइंट वन थ्री एक मिनट, और ये है 81.48, कितना है, 6.13 ना। इसको तुम 8 पे राउंड अप करना, डबल कवर बट जॉइंट में कभी भी ऑड नंबर पे राउंड अप नहीं करना, हमेशा इवन नंबर पे राउंड अप करना। ये कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक सेकंड चाहिए, चलो। तो आपके नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है। अब से ये बोल्ट्स को आपको अरेंज करना है बट जॉइंट में। सो लेट अस प्रोवाइड टू बोल्ट्स इन अ रो, एक रो में दो बोल्ट प्रोवाइड करो, ऐसी चार रो प्रोवाइड कर देना, ठीक है। लेट अस प्रोवाइड टू बोल्ट्स इन अ रो, ठीक है। अब देखो मैं इसका एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, फिगर ऐसा है कि नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं, 8 है, ये मेन प्लेट है 18 की और ये मेन प्लेट है 10 की और ये है पैकिंग प्लेट। आपको ऊपर में एक कवर प्लेट लगानी है ऐसी, नीचे में कवर प्लेट लगानी है ऐसी, आपको दो रो बनानी है, ठीक है, दो रो ऐसे चार रो बनानी है, ये बोल्ट, ठीक है। ये बीच की लाइन है, एक और ब्लेड है, एक और ब्लेड की लाइन आ गई, ये दूसरी और ब्लेड की लाइन आ गई। एक रो में दो बोल्ट है, एक दो, ऐसी चार रो है, 3 4 5 6 7 8, 8 बोल्ट एक साइड में रहेंगे और 8 बोल्ट यहां रहेंगे, ठीक है। ये पहले फिगर नोट कर लो। अब इनके बीच में एक्चुअल स्पेसिंग कितनी रखनी है ये अपने को वर्कआउट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ये एज डिस्टेंस है ई, नीचे वाला डायग्राम डायग्राम में तो आरटी बोल्ट है ना, आपके 8 ही बोल्ट है, बराबर है। नहीं, 8 बोल्ट रहेंगे एक साइड के, दूसरे साइड में 8 बोल्ट रहेंगे। तुम इसको पूरा चार चार मत पकड़ो, जैसे तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन है राइट साइड का, तो बट जॉइंट में जैसे 8 बोल्ट है ना, तो 8 बोल्ट आपको एक साइड में लगाने हैं, दूसरे 8 बोल्ट नेक्स्ट साइड में लगाने हैं, ठीक है। अभी आपने मिनिमम पिच निकाल दिया था, आपको आपने मिनिमम पिच निकाल दिया यहाँ पर, कितना था मिनिमम पिच, 50 आ गया। अभी मैं यहाँ पे एक्चुअल में वर्कआउट करूंगा कि पिच आ कितना रहा है एग्जैक्टली। मैं आई विल ट्राई टू फाइंड द पिच फॉर दिस कैलकुलेशन, ठीक है। ये पिच आ कितना रहा है मेरे को बताओ,
एक पिच में कितने नंबर ऑफ बोल्ट कटेंगे? यदि एक पिच है तो कितने बोल्ट कट रहे? यहां से हाफ कट रहा, यहां से हाफ कट रहा, यहां से हाफ कट रहा, एग्जैक्टली दो बोल्ट कट रहे एक पिच में। कैन यू सी एक पिच के अंदर कितने बोल्ट कट रहे? देखो ये एक पिच है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है? पिच। इन पिच में कितने बोल्ट्स कट रहे हैं वो बताओ। दो सेक्शन के बीच में कितने बोल्ट कट रहे? एग्जैक्टली दो बोल्ट कट रहे है ना, दो बोल्ट कट रहे। तो यहां लिखो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालेंगे पर पिच लेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है इसमें, मतलब एक पिच के अंदर बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? आपके एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी बताओ? एक बोल्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? 81.48। ये है 81.48। आपके एक पिच में दो बोल्ट आ रहे, आपके एक पिच में कितने आ रहे? जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया ना वो बोल्ट है अपने जो कटेंगे, हाफ 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 हाफ, मतलब दो बोल्ट हो गए। तो इंटू टू करो, बताओ कितना आता है? वन सिक्सटी टू पॉइंट नाइन सिक्स। ठीक है, आ गया। अब क्या करना, ये जो स्ट्रेंथ है ना इसको इक्वेट करना प्लेट के स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, लेट अस इक्वेट द स्ट्रेंथ विथ स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इसको प्लेट के स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट करेंगे। ये जो बोल्ट का स्ट्रेंथ है 162.96 है ना, 10^3 है, इसको प्लेट की स्ट्रेंथ के साथ इक्वेट करना। अब प्लेट की स्ट्रेंथ कोड के पेज नंबर 32 पे दी हुई है। प्लेट की स्ट्रेंथ कोड का पेज नंबर 32 निकालो। ये वाला 6.3.1 TDN वाला फॉर्मूला क्या लिखा है? 0.9 AN FU by gamma M1। ठीक है, इसको मैं TDN से इक्वेट करूंगा। तो 162.96 10^3 ये होगा 0.9 AN FU by gamma M1। तो 162.96 10^3 0.9 AN का मतलब होता है नेट एरिया। AN का मतलब क्या होता है? नेट एरिया। ठीक है, अब मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूं पिच के हिसाब से। ये पिच है अपनी, पी फॉर पिच है। तो नेट एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? ए एन विल बी इक्वल टू पिच में से बोल्ट होल का डायमीटर सब्ट्रैक्ट करना और इसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई करना। पिच में से बोल्ट होल का डायमीटर सब्ट्रैक्ट करना और उसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो पिच अपने को अभी पता नहीं है, निकाल रहे हम लोग पिच। डी नॉट है 22, थिकनेस कितना है छोटी वाली प्लेट का? छोटी प्लेट का थिकनेस कितना है बेटा? स्मॉल प्लेट एक 18 की है, 10 की है, कवर प्लेट बनी कितना इसमें? तो इसमें छोटी प्लेट है 10 की, बोलेंगे 410 गामा M1 है 1.25। इसको सॉल्व करो, पिच निकालो एमएल में। ठीक है,
चलो अब इसको फिट करो, ये 75, ये 75, ये 75, एज कितना है अपना 40, ये भी 40 आ गया, तो ये होगा आपका डिजाइन पूरा कंप्लीट। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, ये विड्थ कितनी बताओ प्लेट की, 40, 75, 75, 75, 40, ऐड करो। थ्री यहाँ 305 मिलीमीटर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो उसको। ये हो गया डबल कवर वेट जॉइंट का क्वेश्चन। सर बैक करो, पीछे 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 सर। हाँ इसके बाद से दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।